नमस्कार, हम जानकारी देंगे हर्बा प्रो मास्क कैप्सूल के विषय में। इसे लेने से क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, पूरा जानकारी देंगे। हमें वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड में वीडियो लाता रहता हूँ। हर्बा प्रो मास्क और अश्वगंधा मिश्रित करके बनाया गया है, ये दोनों को मिला करके, जो कि आपके शरीर में जा करके एनर्जिया पैदा कर सकता है, यानी कि आपको फिट बना सकता है, आपकी सेहत को अच्छा बना सकता है। आप सोचते हैं कि हम बहुत सारे दवा का यूज किए हैं और मेरा हेल्थ नहीं बन रहा है, दिन पे दिन हेल्थ गिरता ही जा रहा है, और आप कितना वो खाते पीते हैं फिर भी आपका शरीर हेल्थी नहीं होता है, तो आप हेल्थी बनाने में मदद कर सकते हैं आप मेडिसिन के द्वारा। क्योंकि आप हर्बा प्रो मास्क लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी पेटों को ये दुरुस्त कर देगा, यानी कि आपकी पेट की पाचन तंत्र को सही कर देगा, आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, और आपका हाजमा इतना बढ़ जाएगा, आप इतने अच्छे से भोजन करने लगेंगे कि आपका सेहत बनने लगेगा, तो आपकी सारी शरीर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि लीवर को ठीक करता है हर्बा प्रो मास्क। इसमें अश्वगंधा मिलाया गया है, बहुत सारे जड़ी बूटियों से मिलाकर के बनाया गया है, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसे लेंगे तो आपका हेल्थ जरूर बढ़ेगा और आप अच्छे हो जाएंगे और आपका वजन एकदम बढ़ जाएगा। तो आप हर्बा प्रो मास्क आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसे यूज करके अपनी बॉडी को हेल्थी बना सकते हैं। और आपको इसे कैसे प्रयोग करना है मैं बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको लेना है। आपको लेना है सुबह शाम एक एक कैप्सूल भोजन करने के बाद एक महीने तक, और आपको दूसरे महीने में लेना है एक दिन में एक कैप्सूल, एक दिन में एक कैप्सूल दो महीने तक, और तीसरे महीने में आपको लेना है एक दिन गैप करके एक कैप्सूल, एक दिन गैप करके एक कैप्सूल, ये तीन महीना तक ऐसे लेना है। पूरा मिला करके आपको छः महीना तक लेना है, डायरेक्ट इसे नहीं छोड़ना है। आप जब एक कैप्सूल एक दिन में गैप करके लेंगे तभी उसको लास्ट में आपको धीरे धीरे बंद कर देना है, और अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका सेहत बना रहे, गिरे ना। और कभी भी इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं या कोई भी कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से राय लें, तभी कोई भी कैप्सूल का प्रयोग करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।